अलीगढ़ में भाजपा के अल्पसंख्यक नेता दानिश अंसारी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि जनता के अंदर सकारात्मकता दिखी, खासकर युवाओं के अंदर मोदी जी की रैली को लेकर। यह इल्म का शहर है, यहाँ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए मोदी सरकार पूरी संजीदगी से काम कर रही है। अब की बार 400 पार, ये भाजपा का नारा नहीं है, जनता का नारा है, क्योंकि जनता देश में विकास, रोजगार, खुशहाली चाहती है। यूपी में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे और विपक्षी दलों का खाता तक यूपी में नहीं खुलेगा। हर जाति धर्म के लोगों को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, प्रधानमंत्री की नीयत और नीति पर विश्वास है। यहां हर बूथ पर कमल खिलेगा, ऐतिहासिक जीत के साथ जीत हासिल करेंगे। मैं जनपद अलीगढ़ आया और मैं कई क्षेत्रों में गया। 22 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ आ रहे हैं और एक बड़ी उत्सुकता, सकारात्मक उत्सुकता दिखी जनता के अंदर, खासतौर पर नौजवानों के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली है, उसके प्रति बहुत ही सकारात्मक उत्सुकता दिखी और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ आए, एक तहजीब का और अदब का शहर है, इल्म का शहर है। इस इल्म के शहर में और रोशन करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, हमारे पूरा यकीन है। अलीगढ़ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हमारी मोदी सरकार पूरी संजीदगी से काम कर रही है। अब की बार 400 पार के जो हमारा नारा है, ये भाजपा का नारा नहीं, ये मोदी जी का नारा नहीं, ये जनता का नारा है। जनता ने नारा दिया है अब की बार 400 पार।